भारत के जस्टिस दलवीर भंडारी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए दोबारा चुन लिए गए हैं। जस्टिस भंडारी को जनरल असेंबली में 183 वोट मिले, जबकि सिक्योरिटी काउंसिल में 15 वोट मिले। ICJ चुनाव में जस्टिस दलवीर भंडारी का मुकाबला ब्रिटेन के क्रिस्टोफर ग्रीनवुड से था, पर ब्रिटेन ने आखिरी वक्त पर अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया। इससे जस्टिस भंडारी का चुना जाना तय हो गया। 1945 के बाद यह पहला मौका होगा जब ICJ में कोई ब्रिटिश न्यायाधीश नहीं होगा। जस्टिस भंडारी ICJ में कुलभूषण जाधव मामले की सुनवाई करने वाली पीठ में शामिल रह चुके हैं। मुंबई में 26/11 हमले की बरसी से पहले ISI की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक ISI ने 11 आतंकियों का एक आत्मघाती दस्ता तैयार किया है, जिसके निशाने पर PM मोदी, मुख्यमंत्री योगी समेत देश के कई बड़े नेता हैं। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी काम कर रही हैं, जो भी तथ्य आते हैं सामने, जो भी इंटेलिजेंस इनपुट्स आते हैं, उन पर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज अपनी तरफ से जो भी सुरक्षात्मक कार्रवाई होती है वो करती है। बताया जा रहा है कि आतंकियों के इस आत्मघाती दस्ते को लश्कर सरगना मसूद अजहर का भाई खालिद लीड कर रहा है। इन आतंकियों का प्लान किसी बड़े कार्यक्रम में मंच पर हमला करने का है। दिल्ली हाई कोर्ट में आज जम्मू कश्मीर के पूर्व CM और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई होगी। दिल्ली हाई कोर्ट में फारूक के POK पर पाकिस्तान के समर्थन वाले बयान के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज करने और उनकी गिरफ्तारी के लिए कोर्ट से आदेश की मांग की गई है। साथ ही फारूक का पासपोर्ट जब्त करने के खिलाफ NIA और IB जांच की मांग की गई है। संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि जल्द ही इसकी तारीखों की घोषणा की जाएगी। सोनिया गांधी के शीतकालीन सत्र से भागने के आरोप पर जेटली ने कहा कि कांग्रेस के वक्त में भी चुनाव के चलते शीतकालीन सत्र टाला गया है। कांग्रेस शासन में भी जब जब चुनाव होते थे तो जो विंटर सेशन होता है पार्लियामेंट का, शीतकालीन सत्र, उसकी तारीखें उस प्रकार से एडजस्ट की जाती है कि वो चुनाव के साथ ओवरलैप ना करें। जेटली ने यह आरोप भी लगाया कि UPA की सरकार सबसे भ्रष्ट थी और दावा किया कि गुजरात में राहुल गांधी के प्रचार का नतीजा वैसा ही होगा जैसा उत्तर प्रदेश में हुआ। कल सोनिया गांधी ने CWC की बैठक में कहा था कि सरकार विंटर सेशन से भाग रही है और इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर असर पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर आधार लिंकिंग की अनिवार्यता को लेकर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। ममता ने कहा है कि आधार को लिंक करने से बहुत मुश्किल हो सकती है। ममता का कहना है कि आधार के नाम पर लोगों की जानकारियों को वेबसाइट पर डाला गया है। इससे पहले भी ममता कई बार आधार लिंक पर सवाल खड़े कर चुकी हैं। किंतु आधार कार्ड नाम करे आज के आधुनिक जगते जो सिस्टम में करा होता है मानुषेर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कितने डेंजरस। ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि कुछ लोग बुरी चीजों के करने के बाद भी खुश होते हैं। लंदन में भारतीय बैंकों का 9000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज लेकर भागे विजय माल्या के प्रत्यर्पण ट्रायल की तारीख तय हो गई है। विजय माल्या के प्रत्यर्पण पर 4 से 14 दिसंबर के बीच 8 सुनवाई होंगी। प्रत्यर्पण केस के प्री ट्रायल में विजय माल्या ने कहा है कि भारत में उनकी जान को खतरा है। अब भारत की ओर से विजय माल्या की सुरक्षा का ब्यौरा कोर्ट में रखा जाएगा। गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में इलाज के नाम पर लूट के आरोप में स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने पीड़ित परिवार से जानकारी मांगी है। अस्पताल पर आरोप है कि उसने दिल्ली के द्वारका में रहने वाली 7 साल की बच्ची आभा के डेंगू के इलाज के लिए 16 लाख रुपए का बिल बना दिया, लेकिन फिर भी बच्ची नहीं बची। ये हो गया, MRI में हो चुका है कि कोई आफ्टर लाइफ नहीं है बच्चे की। आप उसके बाद भी आप हमको होप दिखा रहे हो कि हम ट्राई करना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर अस्पताल की लूट ट्रेंड होने के बाद फोर्टिस की एक टीम आभा के माता पिता से मिलने गई, लेकिन वहां मीडिया को देखकर किसी ने परिवार से मुलाकात नहीं की। फोर्टिस अस्पताल ने इस मामले में कहा है कि अस्पताल ने इस मामले में सभी स्टैंडर्ड मेडिकल प्रोटोकॉल और क्लिनिकल गाइडलाइन का पालन किया है। आभा के परिवार को 20 पन्नों का मेडिकल बिल दिया गया है जिसमें पूरी जानकारी है। हैदराबाद पुलिस ने गरीब हिंदू बच्चों को मुफ्त खाने और पढ़ाई के लालच देकर इस्लाम में धर्म परिवर्तन करने के आरोप में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी अनाथालय चलाने की आड़ में धर्म परिवर्तन का रैकेट चलाते हैं। पुलिस ने आरोपियों के अनाथालय से 17 बच्चों को छुड़ाया है जिनकी उम्र 4 से 14 साल की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया को आतंकवाद का प्रायोजक देश घोषित किया है। साथ ही किम जोंग के शासन वाले उत्तरी कोरिया को परमाणु हमले के प्रसार की वजह से ब्लैक लिस्ट भी कर दिया गया है। व्हाइट हाउस की कैबिनेट बैठक में इसका ऐलान करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह कदम काफी पहले उठा लिया जाना चाहिए था। इससे पहले ट्रंप सीधे चेतावनी देते हुए कह चुके हैं कि उत्तर कोरिया जिस तरह लगातार परमाणु उकसावे की कार्रवाई कर रहा है, इससे उसका विनाश हो सकता है।